तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मोटो G6 प्ले की, जहां दोस्तों मोटोरोला कंपनी ने इस मोबाइल फ़ोन को इंडिया की मार्केट में लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में इस मोबाइल फ़ोन की फुल स्पेसिफिकेशंस पर एक नज़र डालेंगे और दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊँगा क्या ये मोबाइल फ़ोन अपनी प्राइस रेंज में आपके लिए ठीक है या नहीं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम इस वीडियो के स्टार्ट कर लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर राठी आपका स्वागत करता हूँ फालतू टेक चैनल में। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैं आपको इस मोबाइल फ़ोन के प्राइस बताता हूँ। दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन को इंडिया में 11,999 रुपये की प्राइस रेंज पर लॉन्च किया गया। अब बात करते हैं दोस्तों मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन साइज की। तो दोस्तों मोटो G6 प्ले में हमें 5.7 इंच की IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो दोस्तों HD+ डिस्प्ले है जो 720 पिक्सल्स पर है दोस्तों, और जिसका एस्पेक्ट रेशो है 18:9, जहाँ दोस्तों मोबाइल फ़ोन का एस्पेक्ट रेशो हमें 18:9 मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो मोबाइल फ़ोन में हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर मिलेगा। दोस्तों मोबाइल फ़ोन में हमें 3 GB की रैम और 32 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों मोटो G6 प्ले के स्टोरेज को हम माइक्रो SD कार्ड के जरिए 256 GB तक आसानी से बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मोबाइल फ़ोन की कैमरे की। तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन का रियर कैमरा हमें 13 MP का देखने को मिलता है विद LED फ्लैश के साथ, जिसका एपर्चर होगा f2.0। जी हाँ दोस्तों, इसके कैमरे से हम 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों इसमें हमें स्लो मोशन जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरे की। तो दोस्तों मोटो G6 प्ले में हमें 8 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है विद सॉफ्ट LED फ्लैश के साथ। जी हाँ दोस्तों, इसके फीचर्स हमें ब्यूटी पैनोरोमा जैसे फीचर्स भी फ्रंट कैमरे देखने को मिल जाएगा। अच्छी सेल्फी ले सकते हैं दोस्तों मोटोरोला के कैमरे से। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे खास फीचर्स जो है इसकी जान, जी हाँ दोस्तों, जिससे मोबाइल फ़ोन चलता है वो है दोस्तों बैटरी। तो दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन में हमें मोटो G6 प्ले में हमें एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है 4000 mAh की। लेकिन दोस्तों ये मोबाइल फ़ोन सी टाइप पोर्ट को सपोर्ट नहीं करता, तो दोस्तों इसमें हमें टर्बो पावर देखने को मिल जाएगी, मतलब टर्बो चार्जिंग मिलती है जो बहुत जल्दी मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर देता है। तो मोबाइल फ़ोन में हमें थिकनेस 9 mm की मिलेगी और वेट, जी हाँ दोस्तों, वेट इसमें काफ़ी देखने को मिलता है हमें। इसमें लगभग 175 ग्राम वेट देखने को मिल जाता है। मोबाइल फ़ोन की बॉडी बनी है पॉलीमर गिलास से। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई मेटल का यूज़ नहीं किया गया, इसमें सिर्फ पॉलीमर गिलास का यूज किया गया। डिज़ाइन देखने में दोस्तों पहले मोटोरोला मोबाइल फ़ोन की तरह ही डिज़ाइन लगता है। लगता तो ऐसे जैसे इसके रियर साइड में डुअल कैमरा है, लेकिन दोस्तों इसमें रियर साइड में सिंगल कैमरा दिया गया और कैमरे के नीचे ही हमें LED फ्लैश मिल जाती है। अच्छी बात है कि दोस्तों मोबाइल फ़ोन में हमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है और दोस्तों 3.5 mm का जैक मिल जाता है, 4G मिल जाती है, ब्लूटूथ, वाईफाई, GPS वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। अदर सेंसर की बात करें तो मोबाइल फ़ोन में हमें एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, एम्बिएंट लाइट सेंसर जैसे अदर सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं। ये थी दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन की फुल स्पेसिफिकेशंस। हमें दोस्तों आपको बता दूं कि ये मोबाइल फ़ोन 11,999 रुपये में इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया गया। क्या दोस्तों ये मोबाइल फ़ोन 11,999 रुपये की स्पेसिफिकेशंस के साथ आया है? तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि इसमें हमें एक HD+ डिस्प्ले बोल रहे हैं लेकिन 720 पिक्सल्स में ही इसकी डिस्प्ले मिल रही है। हालांकि अच्छी बात है कि इसमें 18:9 की डिस्प्ले है, लेकिन दोस्तों उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी हम 11,999 रुपये में सोच रहे थे। प्रोसेसर अच्छा है, इतना भी खास नहीं है कि यार 430 है, तो इसमें लगभग 630 का प्रोसेसर या 636 का प्रोसेसर इस मोबाइल फ़ोन में हमें वो दे सकते थे। 3 GB रैम और 32 GB का स्टोरेज देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों 11,999 रुपये में ये स्पेसिफिकेशंस भी गंदी नहीं है, लेकिन दोस्तों आजकल इंडिया की मार्केट में बहुत से ऐसे मोबाइल फ़ोन आ गए जो 11,000 रुपये में हमें डुअल रियर कैमरे जैसे मोबाइल फ़ोन भी प्रोवाइड कर रही है। तो दोस्तों देखते हैं कि आप इस मोबाइल फ़ोन को लेना चाहोगे नहीं, तो आप स्पेसिफिकेशन वगैरह देखकर इस मोबाइल फ़ोन को अगर लेना चाहते हो तो ले सकते, अगर नहीं लेना चाहते दोस्तों आप मार्केट में अदर फ़ोन की तरफ भी जा सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर लाता रहूं। तो दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।